हेलो फ्रेंड्स, मैं राहुल माना आपका ड्रीम बने फिर स्वागत करता हूँ। फ्रेंड्स, आज हम करने जा रहे हैं पेंट। पेंट बेसिकली माइक्रोसॉफ्ट का एक अपना पार्ट है, जो कि माइक्रोसॉफ्ट जब हम इंस्टॉल करते हैं या विंडो इंस्टॉल करते हैं तो उसी के साथ एक पेंट हमारा इंस्टॉल हो जाता है। पेंट हमारा जो यूज़ होता है वो हमारा स्केचेस बनाने के लिए, पेंटिंग करने के लिए या कोई कार्टून्स बनाने के लिए बेसिकली यूज़ होता है। क्योंकि अगर आप माउस बनाना चाहते हैं और माउस सीखना चाहते हैं तो पेंट में आइए, पेंट में सीखिए, क्योंकि 90% तक आप माउस से ही काम करते हैं। तो चलिए मेरे साथ देखते हैं कौन कौन से टूल्स होते हैं और कौन कौन से हमारे इसके अंदर ऑप्शंस हैं। फ्रेंड्स, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ वीडियो देखिए, और अगर आपको पसंद आती है तो उसको लाइक जरूर कीजिए। तो प्लीज़ बने रहें मेरे चैनल में, ड्रीम वर्ल्ड में। देखिए, पेंट ऑन करने के लिए हम सबसे पहले जाना पड़ेगा स्टार्ट बटन पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पे हमारा है ऑल प्रोग्राम्स, या एसरिस का ऑप्शन भी डायरेक्ट आ सकता है। आप ऑल प्रोग्राम्स पे क्लिक करेंगे, ये देखिए ऑल प्रोग्राम्स है, इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे हमारा एसरिस एसेसरीज में जाएंगे, हमारे यहाँ पे देखिए सारे जो भी ऑप्शंस हैं हमारे वो आ चुके हैं। और यहाँ पे है पेंट, इस पेंट पे क्लिक करेंगे, ये हमारा हो गया पेंट का ऑप्शन ओपन। तो फ्रेंड्स देखिए, ये व्हाइट कलर की शीट हमारी ड्राइंग शीट इसको हम कह सकते हैं, वो ओपन हो चुकी है। इसको हम इस कॉर्नर से क्लिक करके दबा के रखेंगे, लेफ्ट क्लिक, और इसको ड्रैग कर देंगे कॉर्नर तक, और ये देखिए हमारी पूरी स्क्रीन ओपन हो चुकी है। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम करेंगे टूल्स। तो टूल्स में क्या होता है, सबसे पहले हमारा देखिए यहाँ पे पेंसिल टूल। देखिए ये पेंसिल हमारे किस काम आती है, पेंसिल हमारे बेसिकली काम आती है कोई भी ड्रॉ करने के लिए, मीन्स यहाँ कोई वर्ड लिखने के लिए। देखिए सिंपली कोई नाम लिखना हो तो आप देखिए यहाँ पे हम ऐसे इस तरह से आप माउस को चला के लिख सकते हैं। माउस को क्लिक दबा के रखना है तो पेंसिल ऑन हो जाएगी, क्लिक छोड़ देंगे लेफ्ट वाला तो आपकी क्लिक पेंसिल बंद हो जाएगी। इसी तरह अगर आप ये पेंसिल का देखिए जो लाइनिंग है वो कम आ रही है, आप डार्क करना चाहते हैं तो यहाँ पे साइज में जाके क्लिक करेंगे, और यहाँ पे डार्क पेंसिल या जो भी आप करना जितना डार्क करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। जैसे ये लिया आपने, यहाँ पे आप देखिए पेंसिल डार्क होने चालू हो जाएगी। और अगर आप चाहते हैं कलरफुल पेंसिल आए तो उसके लिए कोई भी कलर सेलेक्ट कर लीजिए। फॉर एग्जाम्पल मैं ग्रीन सेलेक्ट किया तो देखिए ग्रीन कलर में हमारी पेंसिल चालू हो जाएगी। सेकेंड है हमारा इरेजर। आपको पता है इरेजर हमारा किस काम आता है, मिटाने के लिए। कोई भी चीज़ आपको रब करनी हो या मिटानी हो तो उसके लिए हमारा इरेजर, इरेजर हमें ले लिया क्लिक करके, इरेजर आ चुका है। मिटाना चाहते हैं तो क्लिक दबा के रखिए, और ये देखिए इरेजर मिटाना चालू कर दिया है। जब तक आप दबा के रखेंगे माउस को तब तक आपका ये मिटाता रहेगा, छोड़ देंगे तो नॉर्मल हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं आपका इरेजर बड़ा हो जाए तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अपने कीबोर्ड से आपको कंट्रोल प्लस का साइन दबाएंगे, कंट्रोल और प्लस का साइन दबाएंगे। देखिए आपका इरेजर बड़ा होता जा रहा है, जितना बड़ा आप करना चाहते हो उतना बड़ा आपका हो जाएगा। ये देखिए इरेजर बड़ा हो गया है, आप जितना रब उसको क्लिक दबा के रखिए आपका रब होना चालू हो गया। थर्ड है हमारा फिल विद कलर। देखिए हम चाहते हैं कि एक ही बारी में पूरी शीट पे कलर हो जाए तो उसके लिए हम क्या करेंगे, फिल विद कलर का यूज़ करेंगे। फिल विद कलर कैसे यूज़ करते हैं, सबसे पहले हम कोई भी आप एक डायग्राम बना लीजिए या कोई सर्कल बना लीजिए, या आप चाहते हैं एक शीट की ये वाइट शीट जो आ रही है इसके ऊपर पूरा कलर चाहते हैं तो फिल विद कलर लीजिए, और यहाँ से जो भी कलर सेट करेंगे वहाँ से कलर लीजिए और क्लिक कर दीजिए। ये देखिए फिल विद कलर का मतलब है कि एक ही बारी में पूरे शीट पे कलर होना। थर्ड आता है हमारा टेक्स्ट। टेक्स्ट बेसिकली हमारे काम आता है कोई वर्ड लिखने के लिए, आप क्लिक कीजिए, आप यहाँ पे देखिए यहाँ क्लिक दबा के रखिए और जितना बड़ा बॉक्स बनाना चाहते हो उतना बनाइए। आप जो लिखना चाहते हैं इसके ऊपर लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने लिखा, देखिए अब यहाँ दिख नहीं रहा क्योंकि सेम कलर का हमारा यहाँ पे आ रहा है, तो इसको सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से कलर चेंज कर देंगे ब्लैक। ये देखिए क्योंकि फिल विद कलर किया था हमने तो इसलिए वही कलर हमारा उस पर लिखा आ रहा था, लेकिन जैसे सिलेक्ट करके हमने कलर चेंज किया तो हमारा ब्लैक कलर हो गया। इसी तरह आप कुछ भी लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि नीचे ये बैकग्राउंड हमारा रेड ना आए, इसका कोई प्लेट बन के आ जाए, तो प्लेट के लिए हम यहाँ से करेंगे ओपेक। ओपेक करते ही हमारी एक वाइट प्लेट तैयार हो जाएगी। ये देखिए एक वाइट प्लेट तैयार हो गई, अब इसके अंदर आप एक प्लेट बन के आ गई बैकग्राउंड के ऊपर, तो उसके ऊपर आपका बन के आ गया, अब लिख सकते हैं। अगर आपको और लिखना है और इसका अब आप चाहते हैं जो भी आप यहाँ पे प्लेट बना रहे हैं जो वर्ड लिखना चाहते हैं उसका टेक्स्ट भी चेंज करना है या स्टाइल भी चेंज करना है वो यहाँ से कर सकते हैं। ये देखिए ऑप्शन बना आ रहा है, यहाँ से कोई भी आप टेक्स्ट ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल ले लिया मैंने इस तरह का, ये देखिए मैंने वर्ड लिखा, इसका मैं टेक्स्ट चेंज करना चाहता हूँ, तो टेक्स्ट यहाँ से कोई भी जाके क्लिक करके आप चेंज कर सकते हैं।
ये आगे हम आगे वर्ड में करेंगे, इसको बोल्ड डाल के साइज बड़ा करें, साइज बड़ा कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल 20 सेलेक्ट किया, 20 ये देखिए साइज बड़ा हो गया। इसके बाद आता है मैग्नीफायर टूल। मैग्नीफायर टूल बेसिकली यूज जो होता है वो होता है मैग्नीफाई करने के लिए, मीन्स लेंस एक काम करता है हमारा छोटे को बड़ा करने के लिए। तो अब क्लिक करेंगे, अगर आप कोई चीज़ बड़ा करके देखना चाहते हैं तो उस पर क्लिक कीजिए। फॉर एग्जाम्पल ये देखिए, तो ये देख के आप देख सकते हैं कि अगर वर्ड आपको नहीं दिख रहा तो आप उसको देख सकते हैं। थर्ड है कलर पिकर, ये बेसिकली कलर पिकर है। मान लीजिए आपने कोई ऐसा कलर बनाया जो इसमें नहीं शो हो रहा और लेकिन यहाँ पे कलर वो है। फॉर एग्जाम्पल ये ब्लैक कलर जो आपको शो नहीं हो रहा लेकिन आप चाहते हैं कि ये कलर मुझे चाहिए और मुझे यही कलर इसके अंदर करना है या बैकग्राउंड पे करना है, तो आप यहाँ से कलर पिकर पे क्लिक करेंगे और यहाँ ब्लैक के ऊपर जाकर क्लिक कर देंगे तो यहाँ कलर पिक हो गया और फिल विथ कलर का ऑप्शन देखो बना आ गया ऑटोमेटिकली। इस पर क्लिक करते ही देखिए बैक पे आपका कलर ब्लैक हो गया क्योंकि आपने कलर पिकर किया। सो फ्रेंड देखा आपने कितना इंपॉर्टेंट टूल्स है हमारे ये पेंट के ऑप्शंस। पेंट करना बहुत ईजी है बट इसको करना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर आपने पेंट किया हुआ है तो अगर आपको कोई छोटे मोटे स्केचेस बनाने हैं या पेंटिंग करनी है या घर में कोई बच्चे हैं उनको सिखाना चाहते हैं कि पेंटिंग कैसे की जाती है, कंप्यूटर सिखाना चाहते हैं, क्योंकि अगर आप पेंट करते हैं या बच्चा अगर पेंट करता है तो 90% वो माउस चलाएगा। माउस जितना चलाएगा उसको उतनी ही प्रैक्टिस ज़्यादा होगी, उतनी ही नॉलेज कंप्यूटर के अंदर बढ़ेगी। तो इसलिए पेंट का ऑप्शन कराना बहुत ज़रूरी है, पेंट आना ज़रूरी है क्योंकि छोटे क्लासेस के अंदर भी पेंट का यूज़ चालू हो जाता है। पेंट कई तरह के ऑप्शंस में आता है, कई तरह के उसको क्लासेस में कराया जाता है। तो फ्रेंड इसी तरह आप छोटे टॉपिक सीखते रहें और कोई भी आपको परेशानी अगर आती है तो आप मुझे कमेंट के जरिए पूछ सकते हैं। तो फ्रेंड अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को देखिए, पूरी वीडियो देखिए, साथ ही साथ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।